Hello my pals. Welcome to your own channel. ABC about English. This is Aparna. And I'm gonna teach you English. Please like and share the video. Subscribe to the channel. And press the bell icon down there to get a notification for our upcoming videos. So enjoy watching this video we will meet at the end of it. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं अपर्णा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एबीसी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्सरसाइज एक रिलेटेड टू नाउन ये हमारी नाउन से रिलेटेड थर्ड एक्सरसाइज है इससे पहले टू एक्सरसाइजेज ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। आप वहां से, से जाकर देख सकते हैं अब बात करते हैं आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को कि आज हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं उससे पहले नाउन से रिलेटेड जो हमारा लेक्चर वीडियो है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट है कितने टाइप के होते हैं नाउन कौन सा वर्ड कौन सा नाउन किस कैटेगरी में आएगा इस तरीके के कोई भी डाउट हो तो आप पहले जाइए नाउन को रिवाइज कीजिए नाउन को पढ़ें अच्छे से समझ के आए उसके बाद ये एक्सरसाइज काफी ईजी हो जाएगी आपके लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सो so, आज का हमारा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नाउन्स इन प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव एब्सट्रेक्ट एंड मटेरियल हमें ये फाइव टाइप के नाउन पता होने चाहिए जो कि होते हैं प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन एब्सट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन तो हमारा क्वेश्चन है कि ये जो नाउन आपको दिख रहे हैं जैसे टेबल रैन बॉक्स मॉब इस तरीके के जो नाउन आर्मी तक दिख रहे हैं उन्हें हमें अरेंज करना है इन फाइव टाइप के नाउन्स में अब इन्हें कैटेगराइज करना है पर इससे पहले कि हम समझें प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव एब्सैक्ट मटेरियल को नाउन के ऑलरेडी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं जिनमें मैंने इससे रिलेटेड डिटेल्ड में विथ डेफिनेशन समझाया हुआ है कि ये नाउन्स क्या होते हैं कौन से वर्ड इस कैटेगरी में आएंगे तो चलिए शॉर्ट में फिर भी मैं बता देती हूँ आपको कि प्रॉपर नाउन क्या होता है प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नेम को कहते हैं पर्टिकुलर नेम जो कॉमन ना हो ठीक है अब कॉमन क्या नहीं हो सकता जैसे आपका नाम कॉमन नहीं हो सकता है ना ठीक है आपके शहर का जैसे इंदौर है ना इंदौर हर शहर को तो इंदौर नहीं कह सकते तो ये प्रॉपर नाउन में गया ताजमहल प्रॉपर नाउन में गया ठीक है कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमनली जो सभी को कह सकते हैं जैसे कि आप कह सकते हैं मदर हर मदर को मदर ही कहेंगे हर फ्रेंड को फ्रेंड कहेंगे हर डॉक्टर को डॉक्टर कहेंगे हर पेन को पेन कहेंगे हर बैग को बैग कहेंगे हर बोर्ड को बोर्ड कहेंगे फ्रेंड हो गया या इस तरीके के कॉमनली जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले नाउन है वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में जाते हैं कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन कलेक्शन शो करते हैं है ना जब आप उसके बारे में सोचने जाएंगे वर्ड के बारे में तो वो कलेक्शन आपको दिखाई देगा जैसे कि क्लास की बात करें तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ठीक है तो स्टूडेंट का कलेक्शन होता है अब इसके बाद बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन्हें हम टच नहीं कर सकते सिर्फ फील कर सकते हैं ठीक है उन नाउंस को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह लेते हैं अब आगे हमें इसके कुछ एग्जाम्पल्स uh, अभी देखने को मिलेंगे जो कि इन वर्ड्स में होंगे ऑब्वियसली तो वो करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे मटेरियल नाउन की बात करें तो मटेरियल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जैसे मेटल नॉन मेटल आते हैं और जिनसे कोई और चीज बनाई जा सके अगर सिंपली हम कहें कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं तो मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जिनसे हम दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं या दूसरी चीजें बना सकते हैं ठीक तो है तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की एक्सरसाइज हमारा फर्स्ट वर्ड है टेबल जिसे हमें कैटेगराइज करना है फाइव टाइप के नाउन में देखिए टेबल जो है वो हमारा कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा क्योंकि हर टेबल को टेबल कह सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं रेन की तो रेन भी कॉमन नाउन की ही कैटेगरी में आएगा क्योंकि रेन एक कॉमन नाउन है कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड है नेक्स्ट बॉक्स बॉक्स भी कॉमन नाउन की ही कैटेगरी में आएगा हर बॉक्स को हम बॉक्स कह सकते हैं नेक्स्ट मॉब है तो मॉब हम हमारा जो है वो भीड़ को कह रहे हैं हम और भीड़ जो है वो कलेक्शन शो करता है तो मॉब जो है कलेक्टिव नाउन होगा नेक्स्ट की बात करें टाइगर टाइगर एक कॉमन नाउन है क्योंकि हर टाइगर को हम टाइगर कह सकते हैं ठीक है ये कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक खास तरीके के एनिमल्स को टाइगर कहा गया है नेक्स्ट की बात करें डेली डेली एक हमारा प्रॉपर नाउन है क्योंकि हर सिटी को तो हम डेली या हर कैपिटल को तो डेली नहीं कह सकते हैं तो डेली हमारा प्रॉपर नाउन होगा नेक्स्ट कार की बात करें तो कार जो है हमारा कॉमन है कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक मटेरियल है जिससे हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं और बहुत सारी चीजें बनती हैं तो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आएगा गोल्ड तो नेक्स्ट हम ग्राउंड की बात करते हैं ग्राउंड जो है वो हमारा कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा बिकॉज uh, जो ग्राउंड है हर ग्राउंड को हम ग्राउंड कह सकते हैं कॉमनली कह सकते हैं सो so ग्राउंड होगा कॉमन नाउन वुड वापस से वुड जो एक वो मटेरियल है और हम उससे कई सारी चीजें जैसे कि फर्नीचर बना सकते हैं तो वुड हमारा मटेरियल नाउन होगा नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड है हमारा फुटबॉल और फुटबॉल कॉमन है देखिए हमारे पास ज्यादातर कॉमन नाउन ही आ रहे हैं हर फुटबॉल को हम फुटबॉल कह सकते हैं इसलिए फुटबॉल हमारा कॉमन नाउन है सोल्जर की बात करें तो सोल्जर भी कॉमन नाउन की कैटेगरी में ही आएगा क्योंकि हर सोल्जर को हम सोल्जर कह सकते हैं विष्णु की बात करें तो देखिए विष्णु एक पर्सन का नाम है या हम कह सकते हैं एक देवता का नाम है भगवान का नाम है पर है तो एक पर्टिकुलर नाम तो विष्णु हमारा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा नेक्स्ट इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड भी एक जगह का एक प्लेस का एक कंट्री का नाम है और वो प्रॉपर है हर कंट्री को आप इंग्लैंड नहीं कह सकते हैं इसीलिए इंग्लैंड प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा नेक्स्ट वर्ड है फॉरेस्ट और फॉरेस्ट हमारा कलेक्टिव वर्ड है क्योंकि कलेक्शन ऑफ ट्रीज को फॉरेस्ट कहते हैं नेक्स्ट वर्ड है सिल्वर और जिस तरह गोल्ड एक मटेरियल है सिल्वर भी एक मटेरियल होगा नेक्स्ट हर्ड की बात करें हर्ड जो होता है वो झुंड को कहते हैं समूह को कहते हैं और ये खास तौर पे एनिमल के समूह को कहा जाता है तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन होगा हर्ड नेक्स्ट बंच की बात करें तो बंच भी गुच्छा कलेक्टिव नाउन ही होगा नेक्स्ट फ्लॉक है फ्लॉक पक्षियों के झुंड को बर्ड्स के झुंड को कहते हैं तो फ्लॉक भी एक कलेक्टिव नाउन ही होगा माउंटेन की बात करें तो वापस हमारा कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा माउंटेन बिकॉज माउंटेन जो होता है वो हर माउंटेन को हम हर पर्वत को पर्वत कह सकते हैं अब बात करते हैं बेंगल की तो बेंगल यानी चूड़ी और बेंगल भी एक कॉमन नाउन ही होगा नेक्स्ट एडवाइस की बात करें अब देखिए हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बचा है ठीक है और एडवाइस इस तरीके का नाउन है जिसे हम एडवाइस सलाह को आप टच नहीं कर सकते सिर्फ फील कर सकते हैं समझ सकते हैं सुन सकते हैं तो हमारा एडवाइस जो होगा वो एब्रिक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा ऑनेस्टी भी सेम ऑनेस्टी ईमानदारी को आप टच नहीं कर सकते हैं सो एबस्ट्रिक्ट नाउन की कैटेगरी में उसे भी रखा जाएगा इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस भी हमारा एक एब्स्ट्रिक्ट नाउन है जिसे हमने एब्स्ट्रिक्ट नाउन की कैटेगरी में रखा है हाँ तो बात करते हैं मुंबई की और मुंबई भी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा क्योंकि हर सिटी को आप मुंबई नहीं कह सकते हैं। पर्टिकुलर एक सिटी का नाम है जिससे उसे पहचाना जाता है तो मुंबई मुंबई एक प्रॉपर नाउन होगा नेक्स्ट हमारे पास है वॉटर और वॉटर एक मटेरियल है मटेरियल नाउन के कैटेगरी में आएगा बात करते हैं आर्मी की आर्मी एक कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स को आर्मी कहते हैं और ये हमारा कलेक्टिव नाउन में आएगा क्योंकि कलेक्शन वाले जो सारे नाउन है कलेक्टिव वर्ड जो होते हैं कलेक्शन शो करने वाले वर्ड्स होते हैं वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आते हैं तो आर्मी हमारा कलेक्टिव नाउन होगा नेक्स्ट लास्ट वर्ड है हमारा राइस और राइस जो है वो मटेरियल क्योंकि हम राइस से काफ़ी कुछ बना सकते हैं ऐसे नाउन जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सके वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आती है सारी मेटल नॉन मेटल या जो ग्रेन्स अनाज या सब इस तरीके की चीज़ें होती है पल्सेस ये सारी की सारी मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आती है तो राइस हमारा मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आएगा So, हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है और आई होप आपको बहुत सारा कुछ जानने को मिला होगा अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप अपने कीथन के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हंसते रहें मुस्कुराते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय सो हाउ इट यू लाइक इट राइट इफ यू डाउट Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Goodbye.